हेलो बच्चों लोगों, कैसे हो? मुझे पता है आप एकदम ठीक ही हो। तो आज मैं कुछ बनाने वाला हूँ कुछ अलग, मगर जो भी होगा एकदम आप। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तैयार हो जाते हैं ना, फिर चलो। और मैं आज इसे ड्रॉ करूँगा इन सारे कलर का यूज करके। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ, और इसे करते करते मैं इसमें सारे कलर यूज करके फिर मैं इसे पूरे कंप्लीट करूँगा। मैंने इसमें सबसे पहले आउटलाइन दिया है, मतलब एक मैंने लाइन खींची है, एक डिज़ाइन बनाया है जो कि अभी मैं येलो कलर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे ऐसे कलर करने वाला हूँ। और हाँ, ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज करा है, क्योंकि मैंने खरीद के मेरे घर में ऐसे रखा पड़ा था 3-4 महीने से। और फिर मैंने आज इस वीडियो के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ, और मैं इसे यूज भी करूँगा, मगर अभी मैं इस वीडियो के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अब इसे मैंने इसे कलर अभी मैं चॉकलेटी कलर का यूज करूँगा। फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे मैंने कलर रख करके धीरे धीरे सोच सोच के मैं इसमें सारे कलर ऐड कर दूँगा। फिर हाँ, फिर मैं कमेंट में करना कि मैंने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि मैं तो यार इंटरेस्ट समझो यार। और ये मेरा मैंने लास्ट कलर यूज करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके और आप देख ही सकते हो कि मैंने आप इसे कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर हम डिटेलिंग करेंगे, तो लास्ट तैयार स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले कैप खोला, मतलब इस कलर का, और फिर मैं इस पर आउट लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं लाइन बनाए जा रहा था, मगर ये मेरे से बन ही नहीं रहा था, क्योंकि जो वाटर कलर था इस पर ना हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने चॉकलेटी कलर का यूज करा, फिर ये मैंने जैसे जल्दी जल्दी बनाया, फिर आउटलाइन करा, फिर मैं इस पर ग्रीन कलर का लाइन चला रहा था। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सोचा यार डिज़ाइनर चेंज करो। फिर मैंने इसके बीच बीच में कोई और सा कलर ऐड करके, मतलब उसका अपोजिट ऐड करते मैंने इसका, इसको मैंने कंप्लीट करा, और फिर मैं इसको कंप्लीट करते ही चला गया। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट था मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।